अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीक अहमद हूँ, ब्रॉड विजन वर्ल्ड स्कूल बोल के। ये हमने 2 साल पहले इसका इनाखत किया था। पहला ब्रांच था अपना हिन्नूर में। ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये तनी संद्रा का जंक्शन है, जहाँ पे क्योंकि मेरा एक्चुअल पेशा है कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स हूँ मैं। मैं चाहता था कि कुछ ऐसे इमारत खड़ी करें जो हर एक के लिए फैज़ पहुँचाता रहे कई सालों तक। आज हम किसी को खाना खिला देते हैं, एक टाइम में ख़त्म हो जाता है। किसी को कुछ चावल दिए या कुछ अनाज दे दिए 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, लेकिन इलम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अहम है अपने कौम के लिए, जो जिसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं, बाकी लोग आगे निकल गए। तो इस वजह से मैंने ध्यान दिया कि इसमें अगर हम इंशाअल्लाह थोड़ा तवज्जो देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आने वक्त में सभी के लिए इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा रहेगा। इल्म बांटना एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसको हम आम करें हर एक के लिए। आज हम इंजीनियर बन गए, कई लोग डॉक्टर्स बन गए, लेकिन मोर देन 90% ऐसा हमारा तबका है जो एक अच्छी भरपूर एजुकेशन से महरूम रह गई। आज कई बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कई लोग हैं जो मेरे साथ ही पढ़े हैं। आज मैं जब देखता हूँ कि वो बहुत कम छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे से अव्वल थे स्टडीज़ में। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ, अल्लाह ने हमें नवाजा, कुछ ऐसे सहूलतें पैदा किए जिससे हम इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए। यह सहूलत हर एक को आम नहीं हो पाई, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों को आगे बढ़ने में, जिससे बच्चे पीछे रह गए। इंशाअल्लाह इसकी तरफ ध्यान देने के लिए मैं एजुकेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करते हुए ये सेकेंड ब्रांच अपना खोला हूँ, जो तनीसंद्रा में। ये एक 3 एकड़ की जगह है जहाँ पे इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल का स्टडीज़ होगी। पहली कैंपस भी ऑलमोस्ट 2 एकड़ की है, कैंपस जो हिन्नूर में है, ये उससे बड़ी कैंपस है। इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए, सब के लिए इंशाअल्लाह ये इलम के लिए इलम का एक गहवारा बनेगी इंशाअल्लाह। और हर प्रोग्राम में पहला फ़र्ज बनता है कि हम उन लोगों को देखें जो बहुत मजबूर हैं, कमज़ोर हैं। तो मैंने हर एक प्रोग्राम में मैं ये रखा हूँ कि मेरा हर काम आगाज़ होता है गरीबों को कुछ देते हुए। तो आज आप देखते हैं कि पहले मैंने आगाज़ किया है बिना मज़हब के। इस गांव में जो गरीब रहते हैं तनी संद्रा में, उनके घर घर जाके आज सुबह से एक 500 टोकन बांटे हैं और उनको घर भर का अनाज आज देने के लिए आज हमने एक तय किया है एक प्रोग्राम। तो माशाल्लाह अब दोपहर से वो काम अंजाम दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर देखने वाले हमारे लिए, हमारे हक़ में दुआ करें। और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप काम के लिए या दूसरे चीज़ों से ज़्यादा आप इलम की तरफ रुझान दें, अच्छा पढ़ें, आगे निकलें। हिंदुस्तान जैसी जगह दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। बिना पैसे के आप इंजीनियर बन सकते हैं, बिना पैसे के डॉक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप बच्चों को एक सही तरह से डायरेक्शन दे, इंशाल्लाह माँ बाप थोड़ा बच्चों का हाथ पकड़ेंगे, उनको थोड़ा उनको एफर्ट्स डालेंगे। आज मैं बहुत कम गरीब बच्चों को भी घर वालों को देखा हूँ जो बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन गए। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप ध्यान दें अपने बच्चों को, एजुकेशन की तरफ उनको मोटिवेट करें, उनको एक अच्छे यू नो आलिम दीन और दुनिया दोनों में वो कामयाब होकर उभरते हुए इस्लाम का भी नाम बुलंद करें और हिंदुस्तान का भी नाम बुलंद करें। आप नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अप टू +2 तक जाएगी, प्री प्राइमरी से लेके +2 तक रहेगी। और इसमें सिर्फ एजुकेशन के लिए अक्सर देखा जाता है कि 40, 60, 50, 80 छोटे छोटे साइटों में बच्चों को अंदर दबा दिए हैं, उनके स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। कई मुख्तलिफ स्पोर्ट्स दे सकते थे, हमारे बचपन में हम ना बड़े प्लेग्राउंड्स मिलते थे, अच्छे स्पोर्ट्स हम खेलते थे, लेकिन आज बच्चों के लिए वो महरूम रह गया है। तो इस तरह से सोचते हुए मैंने ऑलमोस्ट 1 एकड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा, बाकी 2 एकड़ ओपन जगह रहेगी जहाँ पे कई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह बच्चों के लिए रहेंगी और इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह इसका एजुकेशन रहेगा। सर, यहाँ पर जो एडमिशन्स कब से शुरुआत होगी, किस तरह उसके क्या प्रोसीजर रहेगा? इस साल से एडमिशन शुरू हो जाएगी।
प्री प्राइमरी का हमें ये बोर्ड से परमिशन मिल गया है, 1 to 8 का भी इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन में मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसको मैंने ड्यू डेट से पहले एप्लीकेशन भर्ती करते हुए इंस्पेक्शंस करके मेरे फॉर्मेलिटीज़ मैंने पूरे फुलफ़िल किया है, अगले 10-15 दिन में प्लस अप टू 8 स्टैंडर्ड तक इंशाल्लाह इसका CBSE सिलेबस होगी या स्टेट सिलेबस होगी? ये CBSE रहेगी इंशाल्लाह। फ्यूचर में हमने इसको ICSE और IGSE का भी हमने इंशाल्लाह इसको एक्सपेंशन करेंगे ताकि तीनों इंटरनेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पे चलेंगे इंशाल्लाह। देखिए आज अब तमाम जानते ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन जो हम मिल्लत के हमदर्द हैं, सारा रियासत कर्नाटक नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है अल्लाह जती खाम साहेब को, ऐसे इनके खिदमात हैं। आज इनका जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मौके पर है और जो है इन्हों ख़ास कर जो जिस दिन जन्मदिन रहता है उस दिन तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गुरबा हैं इनकी खिदमत में अनाज पैसे कपड़े वगैरह तकसीम करते हैं। आज भी जो है 1000 से ज़ायद इस एरिया के जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को जो है अनाज जो है 25 किलो का एक चावल का बैग तकसीम किया जा रहा है। इनका जो जन्मदिन है इसी खिदमात से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ साथ आप तमाम जानते हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में जो है अरबी क्लासेस, उर्दू क्लासेस और फैशन डिज़ाइनिंग टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस तमाम खिदमात जो है कौम के लिए मुफ्त हैं। और इसके साथ साथ अतीक साहब ने एजुकेशन का जैसा इन्होंने अभी बताया कि जो है इल्म है बहुत बड़ी दौलत है, इल्म से बड़ी दौलत कोई दौलत नहीं है। इंसान के अखलाक किरदार इल्म से ही बनते हैं, ये इसको देखते हुए लोग देखते रह जाएं कि अतीक साहब किस तरफ ध्यान दे रहे हैं, इल्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह हिन्नूर में एक ब्रॉड विजन वर्ल्ड स्कूल का इफ्तिताह हुआ, 2 साल से माशाल्लाह चल रही है स्कूल। यहाँ तनिसंद्रा में जो है ये भी हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ पे भी ये स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है इंशाल्लाह। इसे ही जो है और 2-4 ब्रांचेस होंगे और उसके बाद जो है कौम मिल्लत के लिए जो है जो देवनहली में जो है 2 एकड़ का मदरसा तामीर है, अभी आधा काम हो चुका है, अभी आधा बाकी है। वहाँ पे जो है रहन सहन का रहने के लिए वहाँ जगह होगी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो है देवनहली में और 8 एकड़ की ज़मीन इन्होंने अपने निशाने पर लगा हुआ है, वो जो है 8 एकड़ में जो है एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, सारे रियासत में एक इल्म का एक डंका बजाना चाहते हैं अल्लाह जती खामत साहब। ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिस्ट में ही इंशाल्लाह 2-3 साल में तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे। एक वो यूनिवर्सिटी अरबिक यूनिवर्सिटी इल्म की यूनिवर्सिटी देवनहली में 8 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे भी काम प्लानिंग चल रहा है, ड्राइंग चल रही है। और यह जय मैं इस मीडिया के ज़रिए आप तमाम को ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन भारती नगर में मुखीम है, आपके लिए हर दिन इतवार के दिन छुट्टी रहेगी, बाकिया सारे दिन आपके लिए टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, रबरी क्लासेस रहेंगे आपकी खिदमत में। आप तमाम मैं इस मीडिया से ऐलान करूंगा कि आप तमाम अपने बच्चों को बच्चियों को लड़कियों को यहाँ तालीम के लिए डालिए, ट्रेनिंग के लिए डालिए, कंप्यूटर्स भी रहेगी, जो सीखेंगे तो कुछ हुनर सीखेंगे, अपनी ज़िंदगी संवारने में मदद मिलेगी। आप तमाम फिर से मैं तमाम यहाँ जो लोग जमा हुए हैं हर फरखे के लोग जमा हुए हैं इन सब की जानिब से अल्लाह जती खामत साहेब का जन्मदिन है, इनके जन्मदिन के मौके पर मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। एक 2 शेर कहते रहे मैं इनकी मुबारकबादी को पेश करना चाहता हूं। दिल्ली में रहते हो, दादर में रहते हो, कलियर में रहते हो, अजमेर में रहते हो, नागौर में रहते हो, कोलार में रहते हो, जहां भी रहते हो गरीबों और यतीमों की खिदमत में रहते हो, ये खुदा अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारी खिदमत किस तरह से चल रही है। माशाल्लाह इनके खिदमत के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके बाज़ों में और ताकत दे। अस्सलामु अलैकुम।